Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं शिव पुरुषोत्तम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांग ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे सूर्य की कि कुंडली में सूर्य अच्छा हो या मंदा हो तो जातक को कैसे कैसे फल प्राप्त होते हैं। सूर्य जातक को बराबर की लंबाई चौड़ाई देता है। जातक बहादुर, कभी चुप चुप रहने वाला और अपने फन का माहिर होता है। देखने में खूबसूरत और थोड़ा सांवला, और सांवला भी ऐसा जिससे कि लाली टपकती रहे। जातक शहद की तरह आंखों वाला होता है। सूर्य अपने शत्रु ग्रहों के मिलाप से या टकराव से हमेशा मंदा फल देता है, और मित्र ग्रहों के साथ होने से सूर्य की शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य कुंडली में अच्छा हो तो जातक शराब पीने से दूर रहेगा, गरीबों की हमेशा मदद करेगा, स्वयं का धनी होगा, यात्रा से लाभ होगा, शरीर के अंग अंतिम समय तक सक्रिय रहेंगे। जातक को ईमानदारी का धन ही बरकत करेगा। संतान और पत्नी का सुख अंतिम समय तक जातक को मिलता रहेगा। वहीं अगर सूर्य कुंडली में मंदा हो तो जातक की संतान को कष्ट होगा। जातक जिस किसी की भी मदद करेगा वो व्यक्ति जातक का कोई एहसान नहीं मानेगा। यात्रा में कष्ट या यात्रा से कोई भरपूर लाभ नहीं होगा। सरकार या अपने सीनियर अधिकारियों से दिक्कत बनी रहेगी। बिना मतलब का टैक्स भरना पिता को समस्या हो सकती है। सूर्य अगर कुंडली में राहु के साथ हो तो सूर्य को ग्रहण लगेगा, मतलब सूर्य से संबंधित सभी चीजों का मंद असर कुंडली वाले पर होगा। और सूर्य अगर कुंडली में केतु के साथ हो तो किसी की बात ना मानना और बिना मतलब की यात्रा करना या कान और पैरों से संबंधित रोग जातक को होंगे। सूर्य अगर कुंडली में मंदा हो रहा हो तो बुध को नेक कर लेना चाहिए, या बुध को नेक कर लेना मददगार होगा। और अगर कुंडली में सूर्य खुद मंदे घरों में हो तो स्वयं सूर्य का उपाय ही मददगार होगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और तरक्की करें। जय श्री शाह।